हे फूडीज, वेलकम बैक टू मसाला मंचीज। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही हेल्दी और चटपटी रेसिपी जिसका नाम है चना चाट। बनाने में ये बिल्कुल आसान है और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। तो फिर चलिए मुंबई की फेमस चना चाट बनाना शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती है और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करें और बाजू में रहे बेल आइकन को प्रेस करें। और हाँ, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चना चाट बनाने के लिए 1.5 कप काले चने लेने हैं। इसे 7 से 8 घंटे या फिर ओवरनाइट पानी में भिगोना है। मैंने इसे पहले ही ओवरनाइट भिगो कर रखा था। और इसमें से सारा पानी निकाल लिया है। अब इसे प्रेशर कुकर में डालेंगे। 1.5 ग्लास जितना पानी ऐड करेंगे। और साथ में थोड़ा सा नमक डाल देंगे। अब इसे मीडियम फ्लेम पर 3 से 4 सीटी बजे तब तक कुक करना है। 4 सीटी के बाद चने अच्छे से कुक हो गए हैं और इसका एक्सेस वाटर भी मैंने निकाल लिया है। ये देखिए, दबाने पर ये इस तरह मैश हो रहा है। इसे साइड में रखते हैं। अब चने को चटपटा बनाने के लिए इसका स्पाइस मिक्स रेडी कर लेते हैं। एक बॉल में 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून काला नमक, 1/2 टीस्पून गरम मसाला और इसे चटपटा बनाने के लिए 1 टीस्पून चाट मसाला ऐड करेंगे। चाट मसाले की जगह पे आप आमचूर पाउडर भी ले सकते हैं। अब इन सभी को मिक्स कर लेंगे। अब इसमें 3 चम्मच जितना पानी डाल के मिक्स करेंगे। क्योंकि हम कम तेल में ये चाट बना रहे हैं तो ऐसे पेस्ट बना के डालने से मसाले जलेंगे नहीं और इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आएगा। एक पैन में 1 टेबलस्पून जितना ऑयल लेंगे। ऑयल ज़्यादा नहीं लेना है, सिर्फ सारे मसाले चने पे अच्छे से कोट हो जाए उतना ही लेना है। ऑयल गर्म हो जाए तब उसमें 1/2 टीस्पून जीरा डालेंगे। जीरा अच्छे से भून जाए तब उसमें पिंच ऑफ हींग और 2 हरी मिर्च को मैंने बारीक काट लिया है वो ऐड करेंगे। इसे अच्छे से सौते कर लेंगे। अब इसमें हमने जो मसालों का घोल बनाया था वो डालेंगे। सारे मसालों को अच्छे से भून लेंगे। ऐसे साइड्स में से तेल छोड़ने लगे तब इसमें चना ऐड करेंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे हमें 2 से 3 मिनट तक स्लो फ्लेम पर पकाना है तक सारे मसाले चने में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। इसमें थोड़ा नमक डालेंगे क्योंकि हमने काला नमक पहले से ऐड किया हुआ है तो सिर्फ थोड़ा सा ही नमक डालना है। सारे मसाले चने पे अच्छे से कोट हो गए हैं। अब मैं इसमें एक मीडियम साइज उबले हुए आलू के पीसेस डाल रही हूँ। अगर आपको चाट में आलू पसंद ना हो तो इसे स्किप करें। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस की फ्लेम ऑफ करके इसे ठंडा होने देंगे और हमारे मसालेदार चने ठंडे हो गए हैं। इसे बॉल में निकाल लेंगे। इसमें 1 मीडियम प्याज को मैंने बारीक चॉप कर लिया है वो डालेंगे। 1 मीडियम साइज टमाटर बारीक चॉप किया हुआ, 7 से 8 पुदीने के पत्ते। इसे चाट का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और हर चाट की जान 2 टेबलस्पून जितना बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे। अगर हम इन सभी को गरम चने में डालते तो टमाटर और प्याज जो है वो नरम हो जाते, इसलिए हमें चने ठंडे करके डालना है। इसे मिक्स करेंगे।
अब इसे खट्टा मीठा बनाने के लिए ऊपर से नींबू का रस डालेंगे। और हमारी चटपटी चाट बनकर रेडी है। इसे बॉल में निकालेंगे। या फिर इसे न्यूज़पेपर के कोन में जैसे बाहर मिलती है उस तरह से सर्व करेंगे। आप भी ये कम तेल वाली एकदम हेल्दी चना चाट ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और रेसिपी पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।